हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन कबीर कुक्स। तो कबीर कुक्स में आज हम बनाना सीखेंगे ये झटपट बनने वाली चकली, जो बनी है सिर्फ गेहूं के आटे से। और मैं देखिए आपको क्रिस्प इसको सुना देती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से टूट गई है, और आपको बिल्कुल बता देती हूँ ये तोड़ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको। ये देखिए इतनी सॉफ्ट है, ये इतनी खस्ता बनी हुई है, ये बहुत टेस्टी बहुत ही यमी है। तो घर पे भी तो बिल्कुल गाइस, इस दिवाली आप गेहूं के आटे से बनने वाली ये चकली बहुत ही आसान घर पे ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है ये कॉटन का कपड़ा, कोई भी लाइट कलर का आप कपड़ा इसमें ले सकते हैं। कलरफुल कपड़ा मत लीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें कलर छूट देगा और आटे में लग जाएगा। और ये मैंने ले लिया है 1 कप आटा, और आधा कप आटा और ले लिया है, यानी जो टोटल आटा है वो है 400 ग्राम। और इसकी अब हम एक पोटली बना लेंगे। ये वही सिंपल सा गेहूं का आटा है जिसकी हम चपाती बनाते हैं या रोटी बनाते हैं। और इसको हमने अच्छे से पैक कर दिया है, इसके अंदर ये पोटली बना दी है। और ये ले लिया है कुकर, कुकर के अंदर मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया है ये, और इसमें मैंने मोल्ड रख दिया है ये। और इसको मैं एज अ मोल्ड, एज अ छन्नी दोनों तरीके से यूज़ करती हूँ। आपके पास मोल्ड नहीं हो तो आप कोई भी कटोरी वगैरह नीचे रख सकते हैं। और ये कटोरी में मैंने पोटली रख दी है और कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब हम इसमें 5-6 सीटी लगा लेंगे। और ये देखिए कुकर जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, जब उसकी पूरी स्टीम निकल जाए, तब हम ये पोटली बाहर निकाल लेंगे। और ये पोटली को खोलेंगे, कुछ आटा इसमें थोड़ा कड़क सा हो जाता है, जिसे हम हाथों से अच्छे से फोड़ लेंगे। और ये देखिए मैंने इसको बाउल में डाल दिया है, और हम जो इसके कड़क हो गया है आटा, उसको हम अच्छे से तोड़ लेंगे हाथों से। और अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो रही है तोड़ने में, तो आप मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से चला भी सकती हैं। और ये मैंने देखिए आटे को छान लिया है, जो गुठले पड़ गए थे वो मैंने अच्छे से उसको तोड़ के छान लिए हैं। और इस आटे में अब मैंने डाल दिया है ये नमक, आप स्वाद के अनुसार लीजिए। आधी चम्मच मैंने इसमें ली है लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच मैंने इसमें लिया है हल्दी पाउडर, और ये मैंने आधा चम्मच इसमें अजवाइन ली है। अजवाइन हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये मैंने सफ़ेद तिल ले लिया है, इसको भी मैंने डाल दिया है, ये 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद तिल लिया है। इन सभी को डाल के हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे, और बढ़िया सा ये इंस्टेंट हमारा तैयार हो गया चकली का आटा। और अब मैंने इसमें डाल दिया है ये 1/2 कप तेल, ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है। और आप इसमें सरसों के तेल का यूज़ ना करें मोयन लगाने में, अदरवाइज़ उसका एक स्मेल आ जाती है जो अच्छी नहीं लगती है। और तेल डालने के बाद मैंने इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए अच्छे से हम सभी चीज़ों को एक सार कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन हाथों से। और ये देखिए ऐसे हमें इसकी एक मुट्ठी जैसी बनानी है। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे, जैसे हम चपाती का आटा गूंदते हैं, हमें उतना ही सॉफ्ट इसका डो रेडी करना है। उंगलियों और हथेलियों की सहायता से हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और उसको सॉफ्ट डो रेडी कर देंगे। और ये मैंने 15-20 मिनट के लिए डो रख दिया है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए 15-20 मिनट बाद जब मैंने इसे खोल के देखा, तो इतना सॉफ्ट ये हो गया। हम इसको एक सिलेंड्रिकल शेप देंगे, और हम ले लेंगे अब चकली बनाने का मोल्ड। ये देखिए चकली बनाने का मैंने मोल्ड ले लिया, चकली बनाने का ये देखिए मशीन है। और इस तरीके से हम इसको लगा देंगे इसमें, और अच्छे से इसको टाइटली पैक कर देंगे, कस देंगे अच्छे से। और फिर हम इसमें डाल देंगे ये आटा, जो चकली का आटा है, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप देके, और मोल्ड को कर देंगे हम बंद। और अब हम इसमें बनाएंगे चकली। इस तरीके से शेप देते हुए आप चकली रेडी कर लीजिए। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है ये बनाना, झटपट बन जाती है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब है। और ये देखिए इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए आप चकली बनाइए। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी चकली इसको रेडी कर लिया है। कितनी टेस्टी, कितनी यमी लग रही है गाइस ये। और अब हम डीप फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है, और इसको मैंने कढ़ाई में रख दिया है। तेज आंच पे हमें इसे गर्म करना है तेल को, और गर्म करने के बाद ही हमें इसको चकली इसमें डालनी है। अगर आप ठंडे तेल में चकली डालेंगे तो हमारी चकली में तेल भर जाएगा बहुत सारा, और चकली फट भी जाएगी। तो इस तरीके से जब तेल खूब गर्म हो जाए तब आप इसको डाल दीजिए। जो आँच है गैस की, उसको थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए चकली डालने के बाद। और दिवाली का जो त्यौहार है, बहुत ही खुशियों का, बहुत ही आनंद का त्यौहार है, तो डिशेस बनाना, मिठाइयाँ बनाना तो बनता है। तो ज़रूर इस चकली को एक बार ट्राई करें। और ये देखिए चकली ऑलमोस्ट सिक्के तैयार हो गई हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यमी ये चकली है। बनाना तो बहुत ही आसान है इसको, ना ही दाल भिगोने का झंझट, ना ही पिसवाने जाने का झंझट। बस घर पे जो गेहूं का आटा नॉर्मल सभी के यहाँ उपलब्ध होता है, बस उसी नॉर्मल से गेहूं के आटे से चकली ये बनी हुई है। और ये देखिए जो चकली है वो सिक्के एकदम रेडी हो गई है, और इस तरीके से गोल्डन ब्राउन
डाउन ही हमें इसको रखना है। और कढ़ाई से मैंने बाहर निकाल लिए इनको। अब मैं दूसरा जो इसका राउंड है वो भी इसी तरीके से सेक लूँगी। जैसे मैंने प्रोसेस बताया है सेम प्रोसेस से हमें सारी चकली को सेकना है। और ये देखिए गाइस, आसान सी क्रिस्पी क्रंची मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट चकली बनके तैयार है। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये चकली बना के। सच में आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें इस दिवाली में और मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं कि आपको मेरी ये चकली कैसी लगी है। मैं देखिए आपको क्रिस्प इसका सुना देती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से टूट गई है और आपको बिल्कुल बता देती हूँ ये तोड़ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको। ये देखिए इतनी सॉफ्ट है ये, इतनी खस्ता बनी हुई है ये, बहुत टेस्टी बहुत ही यम्मी है। तो घर पे भी आप जरूर इनको ट्राई करिएगा। आटे की चकली बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी एकदम। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।